सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। फारसी की यह कहावत उन दिनों काफ़ी मशहूर थी और इसका मतलब ये था कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का रूल दिल्ली से पालम तक है, यानी आज की पुरानी दिल्ली से लेकर पालम विहार तक। ये उस वक्त की बात है जब मुगलिया सल्तनत एक तरह से बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी थी। गद्दी पर बैठा तैमूर वंश का 17वां बादशाह शाह आलम द्वितीय। शासन के मामले में वो उतने काबिल नहीं थे, लेकिन थे मुगल बादशाह ही। इसी वक्त अगस्त 1788 में लाल किले में जो हुआ उसे कम लोग जानते हैं, लेकिन इससे मुगलों की रूह कांप गई। उस दिन अफगान रोहिला सरदार गुलाम कादिर अपने 2000 सैनिकों के साथ शाह आलम के दरबार में पहुंचा और शाह आलम से खजाने के बारे में पूछने लगा और ना बताने पर गुलाम कादिर ने शुरू की बड़बड़ता। अब गुलाम कादिर कौन था और उसे शाह आलम से इतनी नफरत क्यों थी, ये हम आगे जानेंगे। खैर, जब उसने शाह आलम से खजाने के बारे में पूछना शुरू किया तो शाह आलम ने यही कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में जदुनाथ सरकार ने उस दिन की घटना का जिक्र कुछ इस तरह से किया है। जब शाह आलम ने धन के बारे में नहीं बताया तो गुलाम कादिर उसे धक्का देते हुए उसके बगल में शाही सिंहासन पर बैठ गया और उसने बादशाह के गले में अपनी बाहें जबरदस्ती डाली और हुक्के से खूब सारा धुआं लेकर बादशाह के चेहरे पर छोड़ दिया। इसके बाद उसने तख्त से शाह आलम को उतारा और तपती धूप में भूखा प्यासा बैठने पर मजबूर किया। जदुनाथ सरकार आगे लिखते हैं कि 10 अगस्त 1788 को बदले की आग में जलते हुए गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा कर दिया। शाह आलम इसके बाद कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे बिना खाने पानी के, और जो उनके वफादार नौकर थे भी, जो उन्हें गुप्त रूप से खाना पानी पहुंचाने की कोशिश करते, उनके साथ और ज़्यादा जुल्म किया गुलाम कादिर ने और उन्हें मार डाला। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि गुलाम कादिर बादशाह शाह आलम के पास गया और कहा, तुम्हारे साथ मैंने सही किया है, तुमने जो मेरे साथ किया ये उसी का बदला है। एक अफगान का प्रतिशोध दशकों तक खामोश रह सकता है, लेकिन वो मरता कभी नहीं। अब सवाल ये कि वो किस बारे में बात कर रहा था और शाह आलम ने उसके साथ ऐसा क्या किया था, तो ये जानने के लिए हमें गुलाम कादिर के बचपन में जाना होगा। तो गुलाम कादिर अफगान रोहिला सरदार जबीता खान का बेटा था। शाह आलम द्वितीय ने जबीता खान को उसके पिता नजीब उद्दौला की मौत के बाद दिसंबर 1770 को मुगल सेना का मीर बख्शी बनाया। अब जब मुगल बादशाह कमजोर पड़ने लगे तो जबीता खान ने विद्रोह शुरू किया। ना केवल उसने शाह आलम के हुक्म की नाफरमानी की, बल्कि कहते हैं कि बादशाह की बहन के साथ बदतमीजी भी की। तब शाह आलम ने नजफ खान और मराठा सरदार महादजी शिंदे के साथ मिलकर जबीता खान के किले पर हमला कर दिया। जबीता खान ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और अपनी जान बचाते हुए हिमालय की तरफ भाग गया। अगले दिन किले का दरवाजा खोल दिया गया और जबीता खान का 8 वर्ष का बेटा गुलाम कादिर बंदी बना लिया गया और उसे दिल्ली भेज दिया गया। अब गुलाम कादिर कहते हैं कि बेहद खूबसूरत था और शाह आलम ने उसे पालना शुरू कर दिया अपने बेटे की तरह, जबकि उसका पिता जबीता खान शाह आलम का दुश्मन था। शाह आलम ने उसे रोशन उद्दौला का टाइटल दिया, यानी शाह आलम ने दुश्मन के बेटे को एक शहजादे की तरह रखा। अब कुछ दरबारियों ने समझाया भी शाह आलम को कि इस तरह से एक दुश्मन के बेटे को पालना अच्छी बात नहीं है या फिर उसको मरवा देना चाहिए, लेकिन शाह आलम ने किसी की बात नहीं मानी। अब नाजिब उल तवारीक के मुताबिक क्योंकि गुलाम कादिर बेहद खूबसूरत था तो शाह आलम को ये शक हुआ कि शायद मुगल हरम की जो औरतें हैं वो गुलाम कादिर में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं। इससे शाह आलम ने यह किया कि एक दिन गुलाम कादिर को बेहोश किया और बेहोशी की हालत में ही उसे एक नपुंसक बना दिया। जाहिर है गुलाम कादिर को जब इस बात का एहसास हुआ होगा, जब वो होश में आया होगा, तो ये उसके लिए एक बहुत गहरे सदमे की बात थी। इसके बाद शाह आलम ने गुलाम कादिर को उसके पिता जबीता खान के पास वापस भिजवा दिया। खैर, समय बीतता गया और अपने पिता की मौत के बाद 1785 में पिता और दादा के बाद गुलाम कादिर ने मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी बनना चाहा। अगस्त 1787 में गुलाम कादिर अपनी ख्वाहिश के लिए बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। इसमें उसका साथ दिया मंसूर अली खान ने, जो हरम का सुपरिंटेंडेंट था, यानी हरम का चौकीदार था, हरम की देखरेख करता था। इसके बाद 5 सितंबर 1787 को एक बार फिर से सैनिकों के साथ गुलाम कादिर लाल किले में पहुंचा।
इस बार मजबूर होकर शाह आलम द्वितीय को ना केवल गुलाम कादिर को रीजेंट बल्कि मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी नियुक्त करना पड़ा और उसे अमीर अल उमारा की उपाधि भी दी। इसके बाद मुगल सल्तनत में अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए गुलाम कादिर ने सरदाना की बेगम समरू की मदद लेने की कोशिश की। अब बेगम समरू, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कौन थी। सरदाना की थी, बेहद ताकतवर थी, बहुत अमीर थी और उनके पास 4 फ्रेंच बटालियंस थी, यानी सेना भी उनके पास अच्छी खासी थी। लेकिन वो शाह आलम की वफादार थी तो उन्होंने गुलाम कादिर की मदद से साफ इनकार कर दिया। दूसरी बार गुलाम कादिर जुलाई 1788 में 2000 सैनिकों के साथ एक बार फिर से लाल किले के अंदर आया और इस बार अंदर से ही दरवाज़ा खोल दिया गया था उसके लिए, यानी शाह आलम के जो भरोसेमंद थे उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया था, जैसे पिछली बार मंसूर अली खान ने। इस बार भी मंसूर अली खान और उसी के जैसे लोगों ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया था। पिछली बार गुलाम कादिर बेगम समरू की वजह से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार वो अंदर पहुंच चुका था। इसके बाद 18 जुलाई 1788 से 2 अक्टूबर 1788 तक उन ढाई महीनों में जो जो उसने किया वो इतिहास में कम ही बताया गया है। गुलाम कादिर ने, जैसा कि हमने जाना, पहले शाह आलम को अंधा किया, उनकी जो नौकरानियां थी उन्हें दरबार में सबके सामने बेइज्जत किया, इसके बाद जो शहजादे और शहजादियां थे उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, जो शाह आलम के बेटे और पोते थे उन्हें घसीट कर दरबार में लाया गया और उनसे नृत्य करवाया गया या उनसे एक तरह से मुजरा करवाया गया, जो शाह आलम की बेटियां थीं उन्हें निर्वस्त्र किया और उनके साथ सबके सामने बर्बरता की, यहां तक कि पूर्व बादशाह की विधवा मलिका जमानी को निर्वस्त्र करके तपती धूप में छोड़ दिया। सारे शाही खानदान को 3 से 4 दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया और कई बच्चों और बूढ़ी औरतों की मौत हो गई। एक बेगम की मौत तो खौफ से ही हो गई और कहते हैं 2 रानियां जुल्म ना सह पाईं इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी उन्हें दफनाए जाने से इनकार कर दिया गुलाम कादिर ने। जब सड़न की बदबू बहुत ज़्यादा हो गई तब जाकर उनको दफनाया गया। जदुनाथ सरकार के मुताबिक 2 दिनों में ही 21 शहजादे और शहजादियों की मौत हो गई और बाकी मौत का इंतज़ार करने लगे। एक मत के अनुसार गुलाम कादिर जब छोटा था तो उसके साथ भी बहुत जुल्म किए थे शाह आलम ने, कुछ तो हमने अभी तक जाना। इसके अलावा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था तो उसे महिलाओं के कपड़े पहन के नाचने के लिए मजबूर करता था शाह आलम। और ये भी माना जाता है कि शायद गुलाम कादिर और शाह आलम में असामान्य रिश्ते थे। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर के बीच में जिस तरह के रिश्ते थे उस तरह के रिश्ते इन दोनों के बीच में थे, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन जब गुलाम कादिर ने इतनी क्रूरता की शाह आलम के साथ तो लोगों की सहानुभूति शाह आलम के साथ हो गई। खैर, इसके बाद 28 सितंबर को मराठा सरदार महादजी शिंदे ने एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो मुगल बादशाह की मदद कर सकें और एक खबर मिलते ही गुलाम कादिर जान बचाकर भाग गया। यानी वही सितंबर के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक 2 अक्टूबर 1788 तक इस तरह से महादजी शिंदे ने वापस से लाल किले को अपने कब्जे में लिया और इसी बीच गुलाम कादिर भाग गया। इसके बाद शाह आलम को वापस से बादशाह बनाया गया, गद्दी पर बैठाया गया और बाद में मथुरा से मराठा सेना ने गुलाम कादिर को गिरफ्तार कर लिया। अब बादशाह के कहे अनुसार उसके साथ भी उसी तरह के जुल्म किए गए जिन्हें बताया नहीं जा सकता। उसके शरीर के अंगों के साथ इस तरह की बर्बरता की गई और अंत में उसे मौत की सज़ा दे दी गई। मराठा सेना ने उसे मौत की सज़ा दे दी। तो यही था इतिहास शाह आलम और गुलाम कादिर का, जिसे कम लोग जानते हैं और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने भी बहुत कम में इसे बताने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।